गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम राजेश चौधरी है। साइंटिफिक करेंसी एंड कमोडिटी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जब एनालिसिस एंड लेवल्स जानेंगे मल्टी कमोडिटी स्क्रिप्ट्स का, सिल्वर, कॉपर, नेचुरल गैस, गोल्ड एंड क्रूड ऑयल के बारे में। रेगुलरली बेसिस पे मैं आपको कंटिन्यूअसली एनालिसिस करके बता रहा हूँ और आप लोगों को काफी उससे बेनिफिट हो रहा है और उस लेवल्स की हेल्प पे आप लेवल्स पे ट्रेड कर पा रहे हैं और प्रॉपर आपको लेवल्स मिल रहा है। हमारा दूसरा चैनल भी है साइंटिफिक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग एंड एजुकेशन, वहाँ पे आप जाइए। प्योर साइंटिफिक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग आपको इंट्राडे स्विंग्स, पोजीशन, एवरीथिंग, यूनिवर्सल प्राइस एक्शन ट्रेडिंग आपको कंटेंट आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, आज हम एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले सिल्वर को समझते हैं। कल मैंने आपको बोला था सिल्वर, आप सिल्वर से ज्यादा आप क्रूड ऑयल पे फोकस करिए। ये आपका एक साइडवेज है, साइडवेज मींस एक प्राइस चैनल के अंदर है, बट प्राइस चैनल के लोअर पार्ट के अंदर ही है। लोअर पार्ट के अंदर हायर रेंज जो मैंने बताया था वही आपका 70,000 एंड लोअर रेंज जो आपका 68,600, इस रेंज के बीच में ही है। आज भी सेम ऐसे ही है, लोअर साइड इधर आ जाएगा, ऊपर की साइड इधर ऊपर चला जाएगा। ऊपर के रेंज में सेल करिए, लोअर रेंज पे आप बाई करिए। जब तक ब्रेकआउट नहीं होता तब तक ऐसा ही करिए। ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर की साइड आपकी अच्छी खासी रेंज है और नीचे की साइड आपका 67,700 तक की जगह बनती है। तो जहां तक मैं बोलूंगा सिल्वर को आपको अवॉइड करना चाहिए, बाकी बहुत सारी कमोडिटी है ट्रेडिंग के लिए, क्रूड ऑयल भी अच्छा है और भी अभी जानेंगे हम। नेक्स्ट अगर मैं कॉपर की बात करूं तो कॉपर अच्छा है। कॉपर को कल भी मैंने आपके बताया था कि कॉपर एक आपका इस तरीके से अगर आप जानेंगे तो आपका डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न एक बना रहा है। डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के अंदर जब तक है ये साइडवेज रहेगा। कल भी बताया था, वैसे भी आज भी बता रहा हूँ कि यहाँ पे हायर रेंज में सेल करेंगे, लोअर रेंज में बाई करेंगे, यही है। इसका ब्रेकआउट जब तक नहीं देता तब तक आपका 90 डिग्री का मूव नहीं आएगा, तब तक आप एक कंसोलिडेशन फेज के अंदर ही आपको ट्रेड करना। इसके नीचे ब्रेक करेगा तो ही नेगेटिव होगा, अदरवाइज मीडियम टर्म में कॉपर पॉजिटिव है, जस्ट एक कंसोलिडेशन में है और इसको मिस नहीं करना। जैसे मैंने आपको ये ट्रेड बताया था यहाँ पे कि इसका प्राइस चैनल का मीडियम टर्म में जो नेगेटिव है, इसका जो आपका ब्रेकआउट होगा ब्रेकआउट पे इसको बीच बिल्कुल भी नहीं करना। और आपने कंटिन्यूअसली बहुत अच्छे से ट्रेड्स मैंने आपको दिलाए और आपने कमेंट्स भी किया। सेम नेक्स्ट स्क्रिप्ट का एनालिसिस जो हम समझेंगे, जो करेंगे वो है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस की अगर हम बात करें तो मीडियम टर्म में एक साइडवेज के अंदर, एक चैनल के अंदर, कल भी मैंने बोला इस चैनल के अंदर ही रहने वाला, इस चैनल के बाहर कहीं नहीं निकलेगा, तो वो एक बड़ा मूव नहीं आगे। इसकी रेंज है ऑलमोस्ट 3% के आसपास की रेंज है, लोअर साइड आपकी ये रेंज होगी आपका 270 के आसपास और हायर साइड में आपका 280 के आसपास। ये अगर आपका यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करके अगर नीचे की साइड गिरता और एज ए रिटेस्ट करके ऐसे करता है तो नीचे साइड की आपकी एक जगह बनती है 264 तक की। अदरवाइज अगर सपोर्ट एज ए सपोर्ट क्रिएट करता है जो मैंने बना के रखा हुआ है साइंटिफिक 270 का, तो आपका ऊपर की साइड मूव 280 का। तो ये आज के लिए यही रेंज है। अगर एज ए इसको रजिस्टेंस नीचे क्लोज करके रजिस्टेंस क्रिएट करता है तो आपका 260 से 265 के बीच की रेंज आएगा और इसके ऊपर एज ए सपोर्ट क्रिएट करता है तो 280 की। तो ये भी एक प्राइस चैनल के अंदर ये साइडवेज है, मीडियम टर्म के अंदर साइडवेज टू नेगेटिव है। ठीक है, इस तरीके से आप समझिए, अपने लेवल्स पे ट्रेड करिए अपने रिस्क रिवार्ड को मैनेज करके। देन नेक्स्ट कमोडिटी की अगर हम बात करेंगे तो वो है आपका गोल्ड। गोल्ड में मैंने आपको बोला कि गोल्ड भी एक आपका डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन होने वाला है। आपका काफी टाइम इसका बॉटम भी बना है यहाँ पे। अभी क्या है, अभी देखते हैं कि ये यहाँ से ब्रेकआउट करता है या पहले नीचे आता है। ठीक है, तो ये लेवल आपका ट्रेडिंग का नहीं है। एज थोड़ा ऊपर जाकर के अगर इसको ब्रेक करता है, जो आपका लो बना है, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा बड़ा करके, ये लो बना है गोल्ड का, इस लो के नीचे अगर सस्टेन करता है तो गोल्ड सेल ऑफ आएगा अच्छा खासा नीचे की तरफ। अगर नहीं करता सस्टेन, बस ये सपोर्ट की तरह रेट करता है तो गोल्ड का ब्रेकआउट आएगा। गोल्ड को मिस नहीं करना है, ये ज्यादा कंसोलिडेट करेगा नहीं, आपको अच्छा मूव देगा। नेक्स्ट अगर कमोडिटी स्क्रिप्ट की बात करेंगे तो क्रूड ऑयल, जैसा मैंने कल बोला था वैसे ही हुआ कि मैंने बोला कि अगर प्राइस यहाँ पे यहाँ था ना कल 14 तारीख कि यहाँ पे प्राइस था और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, अगर यहाँ से ऊपर नहीं जाता है तो यहाँ पे एज ए सपोर्ट ट्रेड करेगा तो बाई करना है, अगर रेजिस्टेंस ट्रेड करेगा तो सेल करना है। तो देखिए मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ कि हुआ क्या, खुद देख लीजिए। प्राइस का ब्रेकडाउन हुआ, प्राइस आपका 45 मिनट रुका और बहुत अच्छा एक सेलिंग था, वो ही टारगेट आपका कंटिन्यूअस आपका चल रहा है। अगेन क्रूड ऑयल में एक डबल बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है, अगर प्राइस यहां से निकलता है ऊपर की तरफ तो अच्छा मूव है, ऊपर की साइड जगह बची हुई है क्योंकि इतना गिरने के बाद ओवर स्ट्रेच होगा, एक मूव इसका आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं कि आपका नहीं आएगा। अनएक्सपेक्टेड कुछ होता है तो वो अलग बात है कि प्राइस इसके नीचे क्लोज होकर सस्टेन करता है तो आपका गिरेगा, अदरवाइज इधर की साइड एक अच्छा खासा मूव पेंडिंग है। तो इसके ऊपर आप नजर रखिए, अपने लेवल्स के अकॉर्डिंग समझिए, अपने रिस्क मैनेजमेंट को, अपने मनी मैनेजमेंट को समझ के ट्रेड करिए और लर्न कर लीजिए, सीखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा।
अगर जितना हम पैसा गेमलिंग करके बाकी सब चीजें करके अगर गंवा रहे, उससे थोड़ा सा भी अगर सीखने में लर्निंग में टाइम लगा देंगे तो आई होप कि आपको इंडिपेंडेंट बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। बिकॉज जो मैं प्योर एंड प्योर साइंटिफिक बताता हूँ, साइंटिफिक आपके सब चीजें एनालिसिस करके बताता हूँ, आप कम्युनिटी के अंदर जो साइंटिफिक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग एंड एजुकेशन जो चैनल है उसके अंदर जाएंगे, कम्युनिटी पोस्ट में जाएंगे तो मॉर्निंग में मार्केट ओपन होने से पहले मैं आपको स्क्रिप्ट बता देता हूँ, 2 दिन पहले स्क्रिप्ट बता देता हूँ, 3 दिन पहले आईटी बताया था तो आईटी कितना भागा आप देख लीजिए 2 दिन में, बैंक निफ्टी बताया था आज मॉर्निंग में लाइव क्लास करके वीडियो भी अपलोड किया वो देख लीजिए, तो सारी सब चीजें आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस लेवल का साइंटिफिक एनालिसिस कर रहे हैं और लाइव क्लासेस में स्टूडेंट्स के साथ क्या चीजें डिस्कस कर रहे हैं और क्या सिखा रहे हैं, आपको पता चल जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, बाय बाय।